Welcome back to our channel Reality 360 Degree. I am your host Jolly Yadav. So guys, ever since Delhi se industries Noida ki taraf shift hui hai, Noida mein employment rate kaafi zyada badh gaya tha. And usi ke saath yahan par housing demand bhi bahut badi hai. Noida mein to development kaafi zyada ho gayi hai and abhi bhi ho rahi hai. But iske saath Noida ke around jo areas hain, unme bhi development kaafi tezi se ho rahi hai. नोएडा के अराउंड आपको अफोर्डेबल सेगमेंट से लेकर लग्जरी सेगमेंट तक की प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। बात आई है अफोर्डेबल सेगमेंट की, तो इस सेगमेंट में आपको नोएडा एक्सटेंशन से अच्छी प्रॉपर्टी कहीं नहीं मिलेगी। नोएडा एक्सटेंशन बेसिकली जाना ही जाता है एक अफोर्डेबल सेगमेंट की प्रॉपर्टीज के लिए। एंड यहाँ के जो अफोर्डेबल सेगमेंट की प्रॉपर्टीज है उनमें आपको सारी फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज मिलती है। So guys, अगर आप लोग नोएडा एक्सटेंशन में एक प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनका काम मैं बहुत ज्यादा आसान करने वाली हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं पूरा नोएडा एक्सटेंशन कवर करने वाली हूं और आपके साथ नोएडा एक्सटेंशन का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप लोग अगर प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इसकी फ्यूचर डेवलपमेंट, अभी यहाँ पर क्या अच्छा है, क्या कमियाँ हैं, प्राइसेस आपको यहाँ पर कैसे मिल जाते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए ओवरव्यू शुरू करते हैं। नोएडा एक्सटेंशन का ऑफिशियल नाम ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेनो वेस्ट है एंड यहाँ पे मेजरली रियल एस्टेट 2007 एंड 2008 में शुरू हुआ था। अगर नोएडा एक्सटेंशन की मैं बात करूँ तो ये आपका 3635 हेक्टेयर्स में पूरा स्प्रेड ओवर है एंड यहाँ पर मेजर लैंड बैंक्स आपकी आम्रपाली, गौर एंड सुपरटेक के पास है। एंड सबसे पहले नोएडा एक्सटेंशन लाइमलाइट में तब आया था जब सुपरटेक ने अपना प्रोजेक्ट सुपरटेक इको विलेज 1 लॉन्च किया था एंड इसकी टैगलाइन बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। टैगलाइन थी रोडे कपड़ा और मकान एंड कार से भी सस्ता घर। तो ये टैगलाइन से नोएडा एक्सटेंशन सबसे पहले लाइमलाइट में आया था। जब यहाँ पर रियल एस्टेट शुरू हुआ था 2008-09 के दौरान, तब यहाँ पर जो रेट चल रहा था वो था अराउंड आपका 1200 से 1300 पर स्क्वायर फीट एंड अराउंड 2010 यहाँ पर सारी चीजें रुक गई थी, सारी डेवलपमेंट रुक गई थी, क्योंकि किसानों के बीच में कुछ डिस्प्यूट उस टाइम चली थी। तो 2010 के अराउंड यहाँ पे सारी डेवलपमेंट, सारा काम एक बार फिर से रुक गया था। बट कुछ सालों बाद दोबारा से चीजें जब रिजोल्व हुई तो अराउंड 2015 के बाद यहाँ पर फिर से डेवलपमेंट होना शुरू हो गया एंड नोएडा एक्सटेंशन आफ्टर 2015 नेवर सॉ अ लो पॉइंट एंड उसके बाद से यहाँ पर डेवलपमेंट सिर्फ बढ़ ही रही है। नोएडा एक्सटेंशन गौर चौक से शुरू होकर नॉलेज पार्क 5 तक पूरे एरिया कवर करता है। अभी फिलहाल मैं किसान चौक, जिसे की गौर चौक भी कहा जाता है, वहाँ पर खड़ी हुई हूँ एंड यहाँ से मैं आपको थोड़ी सी कनेक्टिविटी यहाँ की बताऊंगी। तो नोएडा एक्सटेंशन आपका NCR के सारे रीजन के साथ बहुत ही वेल कनेक्टेड है, फिर चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो, सेंट्रल नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो या फिर फरीदाबाद। आप ये देखिए, ये गौर चौक है एंड इसके बिल्कुल ही साइड में जो पीछे तरफ रोड जा रहा है वो फर्दर आपको NH24 से कनेक्टिविटी देता है। मेरे राइट हैंड साइड पर जो रोड है ये फर्दर आपको सेंट्रल नोएडा से कनेक्ट कर देगा। इस तरफ जो ये रोड जा रहा है ये आगे आपका एक मूर्ति चौक की तरफ चला जाता है, जहाँ पर आपको काफी सारे इस बेल्ट पर कमर्शियल एंड आगे जाके रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। प्लस ये जो आगे वाला जो रोड है, मेरे सामने वाला रोड है, ये फर्दर आपका सेक्टर 1 एंड परी चौक की तरफ कनेक्ट हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ से आपको ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो नोएडा एक्सटेंशन का जो मेजर प्लस पॉइंट है वो है इसकी कनेक्टिविटी। यहाँ से आपको सारे रीजन की बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। क्लास अगर मैं यहाँ के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आज के टाइम पे एट प्रेजेंट अराउंड 100 आपको यहाँ पर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें कि दोनों कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स रहेंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन एंड रेडी टू मूव इन सेकंड। प्लस यहाँ पर आपको अभी 10 से 15 कमर्शियल प्रोजेक्ट भी मिल जाते हैं। दैट मीन्स दोनों सेगमेंट, चाहे वो एंड यूजर्स हो या फिर इन्वेस्टर्स हो,
दोनों ही सेगमेंट के लोगों के लिए यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस प्रेजेंट है। रेजिडेंशियल में यहाँ पर 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK प्लॉट्स, विलास, ड्यूप्लेक्सेस एंड पेंट हाउसेस अवेलेबल रहेंगे। प्लस कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल में यहाँ पर ऑफिस स्पेसेस एंड रिटेल शॉप्स अवेलेबल है। एंड इन फ्यूचर यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नोएडा एक्सटेंशन में अराउंड 10 लाख की पॉपुलेशन रहेगी। नोएडा एक्सटेंशन के प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले कमर्शियल की मैं बात करती हूँ। तो यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में जहाँ पर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा, तो वो कुछ प्रोजेक्ट हैं मरीना वॉक, एपेक्स पार्क स्क्वायर, पीकेएस टाउन सेंट्रल, फ्यूजन यूफेरिया, साया साउथ एक्स, आयरिस ब्रॉडवेज, NX1, गोल्डन ग्रांडे एंड आर्ट कुमार। गाइस जैसे ही आप नोएडा से नोएडा एक्सटेंशन की तरफ आते हो तो गौर चौक से एक पूरा रोड आपका जो रहेगा सीधा आपका आगे, तो उसमें पूरे आपके कमर्शियल्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले आपका रहेगा गौर सिटी सेंटर, उसके बिल्कुल ही एडजॉइनिंग है गौर मॉल रहेगा। एंड यहाँ पर हम देखें तो ये राजहंस सिनेमाज है, इसके नेक्स्ट बुलेवार्ड वॉक है। प्लस इसी रोड पर आपको आगे भी हम देखें तो काफी सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं, गैलेक्सी ब्लू सफायर है। प्लस ये जो सारे कमर्शियल्स हैं ये सबसे साफ आज के टाइम पे ऑपरेशनल स्टेट में। अब बात कर लेते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम अंडर कंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट आपको अंडर कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में यहाँ पर सबसे अच्छे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि CRC जॉयस, श्री राधा स्काई गार्डन, फ्यूजन ब्रूक एंड रिविले, महागुण मंत्रा, सिविटेक स्ट्रीम्स। एंड यहाँ पर भी कुछ प्रोजेक्ट सॉफ्ट लॉन्च में भी हैं, तो एलिगो का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, एलिट ग्रुप अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, उसके साथ साथ VVIP का भी यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। महागुण मजारिया 2.0 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो इन प्रोजेक्ट में भी अभी आपको काफी अच्छी डील मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो रेडी टू मूव इन सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, एंड इन प्रोजेक्ट्स जो मैं प्रोजेक्ट्स अभी आपको बताने वाली हूँ, इन प्रोजेक्ट्स में रजिस्ट्री का कोई इशू नहीं है, यहाँ पर आपको प्रॉपर रजिस्ट्री करके दी जा रही है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं एस डिविनो, AIG रॉयल, ला सोलारा, स्पोर्ट्स होम, एरोस संपूर्णम एंड RG लग्जरी। गाइस नोएडा एक्सटेंशन में अभी काफी ज्यादा डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, एंड कोई अगर यहाँ पर शिफ्ट होता है तो उसको किसी भी चीज की अभी कमी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। आपके पास सारी चीजें यहाँ पर आज के समय में मौजूद है, फिर चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड चीजें हों या फिर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आपके इंस्टीट्यूशन हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आज के समय में मौजूद हैं। एंड अगले 10 से 15 साल में यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट और होने वाली है। अगर मैं फ्यूचर डेवलपमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर एक अंडरपास प्रपोज है गौर चौक पर, आपका एक अंडरपास प्रपोज रहेगा जिससे कि आपके इन फ्यूचर अगर ट्रैफिक बढ़ेगा तो उसको टैकल करने के लिए वो अंडरपास रहेगा। उसके अलावा नोएडा एक्सटेंशन में मेट्रो भी प्रपोज्ड है, एंड अगले 1-1.5 साल में मेट्रो यहाँ पर उम्मीद है ऑपरेशनल हो जाएगी या फिर उसका काम तो शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये यहाँ पर होने वाली है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है, उसकी कनेक्टिविटी यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। जी हाँ, पर्थला चौक से आपको एक इन फ्यूचर एक फ्लाईवे प्रपोज्ड है जहां से आपको जेवर इंटरनेशनल की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। सो नोएडा एक्सटेंशन आपका सीधा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इन फ्यूचर कनेक्टेड हो जाएगा, सो वो एक बहुत ही बड़ा मेजर प्लस पॉइंट रहेगा। उसके अलावा अगर हम आज के समय की बात कर लें तो नोएडा एक्सटेंशन एक आपका रेड लाइट फ्री जोन है, यहाँ पर आपको स्लो ट्रैफिक मिल सकता है बट कभी भी ट्रक ट्रैफिक नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ एक काफी ज्यादा वेल प्लान्ड सिटी है क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा का पार्ट है, तो उसी तरीके से इसको भी काफी ज्यादा प्लान्ड वे में बनाया गया है। तो अगर मैं एक गुड़गांव से एक पॉइंट कंपेयर करूं तो गुड़गांव में बारिश के टाइम पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ के सीवरेजेस में बहुत दिक्कत है, वाटर क्लॉगिंग की बहुत ज्यादा दिक्कत है, एंड पूरा गुड़गांव समझ लो आपका डूब ही जाता है पानी में। बट वो दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, पूरा नोएडा एक्सटेंशन काफी ज्यादा प्लान्ड वे में बनाया हुआ है, एंड यहाँ पर आपको ट्रैफिक की दिक्कत नहीं आएगी, प्लस वाटर लॉगिंग की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट आप रोड्स वगैरह भी देखें तो आज के टाइम पे भी काफी ज्यादा वेल मेंटेन्ड रोड्स हैं, काफी वाइड रोड्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। एंड ओपन एरियाज की तो मैं बात ही क्या करूँ, कमाल का यहाँ पर आपको ओपन एरिया मिल जाता है, पार्किंग स्पेसेस आपके प्रॉपर रहेंगे। बहुत सी जगहों पर आपको पार्किंग की बड़ी दिक्कत हो जाती है, दिल्ली में पार्किंग की बहुत दिक्कत है,
गुड़गांव तरफ भी पार्किंग की बहुत दिक्कत है, बट यहाँ पर हर एक एरिया में, हर एक कमर्शियल एरिया के पास भी प्रॉपर पार्किंग एरिया दिया गया है हर एक जगह पे। सो यू नो, ये जो बहुत मेजर दिक्कतें होती हैं जो कि स्टार्टिंग में हमें बहुत छोटी लगती है, बट इन फ्यूचर ये आगे जाके बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये चीजें यहाँ नोएडा एक्सटेंशन में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। एंड मैं बात कर रही थी ओपन एरियाज की, तो अभी भी आप देखिए तो मैं एक पार्क में हूँ, ये एक अथॉरिटी का पार्क है, तो काफी अच्छे तरीके से ये पार्क भी मेंटेन किया गया है। सो ग्रीन एरिया, ओपन एरिया, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर यहाँ पे नोएडा एक्सटेंशन में मिलेंगी। प्लस गाइस, अगर मैं नोएडा से भी कंपेयर करूँ नोएडा एक्सटेंशन को, तो ये नोएडा का एक अपग्रेडेड वर्जन रहेगा। नोएडा अभी ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है, ऑल्दो अभी वहाँ पे कुछ सेक्टर्स अभी भी बाकी हैं जो कि डेवलप होना है, बट नोएडा से काफी चीजों में आगे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नोएडा से बेटर आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा एंड ओवरऑल आपको यहाँ पर ग्रीन एरियाज उससे ज्यादा मिलेंगे। एंड अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो ये नोएडा का एक अपग्रेडेड वर्जन रहेगा। गाइज, एट प्रेजेंट नोएडा एक्सटेंशन में आपको 10 से 12 ऑपरेशनल स्कूल्स मिल जाते हैं। वैसे फिलहाल मैं यहाँ पर स्कूल से बाहर ही खड़ी हुई हूँ एंड एक लाइन में आपको 4 से 5 स्कूल यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपका SKS वर्ल्ड स्कूल है, आगे विजडम ट्री स्कूल है, जिसके और आगे आपका BLS पब्लिक स्कूल है। सो यहाँ पर आपको 4 से 5 तो इसी लाइन में आपको स्कूल मिल जाते हैं। प्लस पूरे नोएडा एक्सटेंशन में, जस्ट मैंने आपको बताया, 10 से 12 स्कूल्स हैं। प्लस हॉस्पिटल्स की भी अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे 5 से 7 यहाँ पर मेजर हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं। यथर्थ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी आपका नोएडा एक्सटेंशन में ही है। उसके अलावा अगर मैं यूनिवर्सिटीज की बात करूँ तो यूनिवर्सिटीज के लिए आपको ग्रेटर नोएडा यहाँ पे बहुत नजदीक में मिल जाता है एंड नॉर्थ इंडिया की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। आपको वहां पर 10 से 12 प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं, जैसे कि गलगोटिया एक्सेट्रा। तो यहां से नोएडा एक्सटेंशन से आपका हार्डली 10 से 12 मिनट की डिस्टेंस पर आपको यूनिवर्सिटीज ही मिल जाती है एंड कमर्शियल एरिया में यहाँ का ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं यहाँ के कुछ प्रोजेक्ट्स भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट है। अभी बिल्कुल मेरे सामने आप देखिए तो निराला एस्पायर का एक लो राइज प्रोजेक्ट है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। तो यहाँ पर एक लो राइज का बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। प्लस इसके आगे इस तरफ आप देखें तो यहाँ पर ला सुलारा है, ये भी एक बहुत ही अच्छा एक बजट फ्रेंडली रेंज का प्रोजेक्ट है। एंड यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि SBI से अप्रूव है एंड यहाँ पर रजिस्ट्री हो रही है, तो कोई लीगल इशू इस प्रोजेक्ट में नहीं है। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। जो थोड़ा एक लग्जरी सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो वो निराला चूज कर सकते हैं, जिनका यू नो बजट फ्रेंडली बजट है, अफोर्डेबल रेंज में जाना चाहते हैं तो ला सुलारा यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सामने भी आप देखिए तो काफी सारे हमको स्कूल्स मिल जाते हैं, बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटीज है। प्लस सारे कमर्शियल एरियाज भी यहाँ से आपको 1-2 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाते हैं। सो गाइस, पूरे नोएडा एक्सटेंशन तो मैं आपको घुमा ही चुकी हूँ, अब हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ के थोड़े से प्राइसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरू में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे रियल एस्टेट शुरू ही हुआ था तब यहाँ पे 1200 से 1300 का यू नो अप्रोक्स एक रेट चल रहा था, बट अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आज यहाँ पर एवरेज रेट जो है वो आपका रहेगा 7,500 से 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। दैट मींस आप अप्रिसिएशन देख रहे हैं, सिर्फ अराउंड 10 सालों में यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 10 गुना रेट्स बढ़कर मिल रहे हैं। तो जिन लोगों ने उस टाइम प्रॉपर्टी खरीदी होगी यहाँ पर, उनको देखिए कितना कमाल का अप्रिसिएशन मिला होगा। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी एट प्रेजेंट यहाँ पर एवरेज रेट अराउंड 8,000 का चल रहा है, बट यहाँ पर कुछ बिल्डर ऐसे भी हैं जिन्होंने आज के टाइम पे भी यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट 11,500-12,000 के रेट से भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि गुलशन अवंते है, उसमें एट प्रेजेंट आपका 11,500 अप्रोक्स का रेट चल रहा है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स आपको ऐसे भी मिल जाते हैं, बट ओवरऑल अगर हम एवरेज की एक बात करते हैं तो वो आपका 7,500 से 8,000 पर स्क्वायर फीट का ही रेट रहेगा। एंड अगर मैं इन फ्यूचर की बात करूं, पास्ट का मैं आपको बता चुका हूं कि 10 गुना का यहां पर अप्रिसिएशन लोगों को मिल चुका है, बट अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आप अगले 2 से 3 साल में ही यहां पर आप अगर जो रेट्स देखेंगे तो वो आपके 13,000 से 14,000 पर स्क्वायर फीट के रेट हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर आप अभी भी खरीदते हैं ना यहाँ पर प्रॉपर्टी, तो आपको यू नो ऑलमोस्ट डबल में मिल जाएगा। एंड ये रीजन, इसका रीजन ये होगा बेसिकली जब यहाँ पर मेट्रो आ जाएगी तो उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको बहुत ही यू नो एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा प्राइसेस में। तो आज के टाइम पे अभी भी ये जो नोएडा एक्सटेंशन का पूरा एरिया है ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेंज का एरिया है, बजट फ्रेंडली एरिया है।
बट आगे के टाइम में ये ऐसा नहीं रहेगा, इतना पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहेगा। तो जो एंड यूजर्स हैं, जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का टाइम बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। प्लस जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी आज का टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है। अभी प्रेजेंट ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है दोनों सेगमेंट के लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, क्योंकि आगे 3 से 4 साल में यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। सो गाइज, दैट वॉज द ओवरव्यू ऑफ नोएडा एक्सटेंशन। आई होप मैंने आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दी हैं। इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई और क्वेरी है, कुछ और आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। साथ ही साथ अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी भी प्लान कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल, तो उसके लिए भी आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी सेल्स टीम आपको असिस्ट करेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन गिव अस अ थम्स अप, एंड अपने सजेशंस एंड कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिए डाल सकते हैं। एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।